السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم बसमिल्लास अलूकिन नाजरन कराम मैं सुहेल अहमद रहमानी आप तमाम नाजरन का हमारे इस प्रोग्राम वो गुना जिन्हें मामूली समझा गया इस्तबाल करता हूँ अलहदुल्ल गों में आपके सामने शिरक के तल्लुक़ से इसी तरीके से दूसरा गुना वालदे के नाफ़रमाने के तलुक़ से कई सारी बातें पेश की गई वादे के मुताबिक आज की इस नश्त में आपको मैं ये बताऊंगा कि एक इंसान अपने वालदे की खिदमत कैसे करे और वालदे के रास्ते में जो रुकावटें पेश आती हैं उन रुकावटों को दूर कैसे करे इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह तबारकाल उसे वालदे की न्यामत अता फ़रमाई है तो उनके साथ एहसान कैसे करे चाहे उसके वालदेन जिंदा हो या जिंदा ना हो एहसान कैसे कर सकता है कैसे अच्छा सुलूक जिंदगी में कर सकता है या मरने के बाद उनके लिए फायदा पहुंचा सकता है चंद निकात आपके सामने इंशाल्लाह आज के इस दर्श में पेश किए जाएंगे सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि कई सारे लोग जो अपने वाले की खिदमत नहीं करते हैं या वाले की खिदमत में जो चीज़ रुकावट उनके लिए बनती है वो उनकी बीवी होती है बीवी जो आमतौर से अपनी सास को पसंद नहीं करती अपने बहू को अपने बेटे के साथ अच्छे सलूक करते हुए बहुत सारी ऐसी सास होती हैं जो हरगिज पसंद नहीं करती है कई सारी बहुओं के बारे में कई सारी बीवियों के बारे में तो ये बात सुनने में आई कि वो अपने शोहरों को अपनी माँ से अपने अब्बा से मिलने नहीं देती तुम अपने अब्बा से ना मिलो अपनी अम्मी से ना मिलो कई सारी औरतों ने अपने शोहरों के ऊपर ये पाबंदी लगा दी है कि तुम उस बुढ़िया के पास नहीं जाना। वो बुढ़िया बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करने वाली इस तरह की बातें या इस तरह की जितनी भी चीजें माशरे के अंदर हैं जो एक जिम्मेदार शख्स के लिए एक उस शख्स के लिए जिसके वाले जिंदा हैं उसको खदमत करने में ये चीज रुकावट बन जाती है नजन कर आपको ये जानना है कि कैसे हम हुन सलूक करें कैसे अपने वाले देन के साथ हम अच्छा बर्ताव करें अच्छा बर्ताव करने में सबसे पहला तरीका अगर हम चाहते हैं कि हमारे वालदेन हमसे खुश रहें हमारे वालदेन हमसे राजी रहें तो हम उनके शुक्र का एतराफ़ करें क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको शुक्र के जरिए से ही अदा किया जा सकता है पैसों के जरिए से उसे अदा किया ही नहीं जा सकता है जैसे अल्लाह का अल्ला ताला का शुक्र शुक्र अल्लाह ही किया जा सकता है और ये पैसों से नहीं किया जा सकता है अल्लाह ने कहीं बता दिया देख तुझे इतना ऑक्सीजन दिया इतना दिन तू जमीन पर रहा बगैर किसी परेशानी के मैंने तुझे फुला चीज दिया वो परेशान हो जाएगा बस फायदा इसी में एक इंसान के लिए है कि वो अल्लाह तबारो को ताला के शुक्र करे इसी तरीके से शुक्रगुजारी वालिदेन के साथ मां बाप के साथ पैसों से नहीं कर सकता इमदाद कर सकता है मदद कर सकता है लेकिन पैसा दे करके ये सोचे मैं एहसान जताऊंगा नहीं कर सकता है बंदा सबसे पहली चीज अपने वालिदेन के साथ अगर एहसान करे अपने वालिदेन के शुक्र का एतराफ करे याद रखे अल्लाह तबारो को तला उससे राजी हो जाएगा खुद उसके वाले राजी हो जाएंगे छोटी सी बात है अपने वाले से कह सकता है कि अम्मी आपने मेरी कितनी अच्छी खिदमत की अब्बा आपने मेरी कितनी अच्छी खिदमत की कि मैं इतना अच्छा इंसान बन गया जैसा कि अबू हुरैरा अरदी अल्लाह तहु ने बड़े होने के बाद अपनी माँ के तरबियत का एतराफ़ करते हुए उनका शुक्र अदा किया एक ताबई हैं वो कहते हैं कि अबू हुरैरा हुररा तहु जब अकीक के मैदान में पहुंचते थे यानी जहां पर उनकी माँ रहती थी जब वहां पहुंचते थे बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, या उम्मता। कहते थे मेरी अँ तुझ पर सलामती हो तुझ पर अल्लाह की बरकत हो तुझ पर अल्लाह तबारक व तला की रहमत हो ये कौन कहता था अबू हुरैरा हुररा और अदियाल्लाह तहु

दे ने मेरी, मेरी तरबियत बड़े अच्छे से की ये, अपनी मां से ये, कह, रहे है। ये बंदा कह सकता है, लेकिन शरम आती है कि कैसे अम्मी से हूँ अम्मी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है नहीं कह सकता है वो। उसको शर्म बहुत आती है वो शुक्र का ऐतराब करे जुबान से कहना है कोई पैसा थोड़ी ना खर्चा करना है अपने जुबान से अपने माँ के ऐतराफ़ में जुमले कह दे तो उनकी माँ क्या जवाब देती थी उनकी माँ जवाब देती थी अः मेरे बेटे अल्लाह तुझे फरमाए कि कम, से कम मेरे का तो बहुत सारी हदीसें मरवी हैं हदीस की किताबों के अंदर आप अंदाजा लगाए अपनी माँ का शुक्र तेज आवाज में कर रहे हैं करे अँ मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी परवरिश बड़े अच्छे अंदाज में की अब ऐसा नहीं कि माइक लेकर के लिए करके कोई मस्जिद में ऐलान करे कि माँ तेरा मैं शुक्र अदा करता हूँ इसका मतलब ये भी नहीं लेकिन कम से कम अपनी जुबान से कहे कम से कम माँ बाप को तसली तो होगी कम से कम मेरा बेटा कह तो रहा है मेरे एहसान को मान तो रहा है कि मैंने इसको परेशानी में मुश्किल में तकलीफों में इतनी परेशानियों में उसको मैंने ये इस किस्म की परेशानियों से इसको मैंने निजात दिलाया कम से कम मेरे शुक्र का एतराफ तो कर रहा है तो इससे वालदेन को खुशी होगी उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी आप अंदाजा करके नाजरीन एक बार देख लें आपके वालदे इतने खुश हो जाएंगे इतने खुश हो जाएंगे कि आपको उसी वक्त ये बात समझ में आएगी कि शुक्र का एतराब करने से वालदेन को कितनी खुशी होती है तो पहली चीज एहसान सलूक में आपको क्या करना है कि अपने वालदेन को खुश करना है एहसान का एतराफ़ करना है जुबान के जरिए जैसा कि अबू हुरैरा हरेराली अल्लाह तुम एतराफ़ किया करते थे ये वही अबू हुरैरा हैं जिनका वाकया मशहूर है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी नबीम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल। जब इनकी इस्लाम नहीं कबूल की थी तो नबी के पास आए कहा अल्लाह के रसूल। मेरी मुशरिका है आप उनके लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह उनको हिदायत दे दे अल्लाह अकबर रोते रोते आए क्योंकि बहुत दिनों से दावत दे रहे थे दावत नहीं कबूल कर रही थी आकर के नबी से कह दिया अल्लाह के रसूल आप मेरी माँ के लिए दुआ कर दीजिए मेरी माँ इस्लाम कबूल कर ले अल्लाह के नबी नबीम के पास जब रोते रोते आए तो अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे नाज़रीन इससे एक बड़ी बात समझ में आती है कि किसी के वालिदैन अगर मुशरक हो

और कुछ कपड़े वगैरह बदली करके बाद में हजरत अबू हुरैरा के सामने आई कहा अशहद अल्लाह अन्न अल्लाह रसूलुल्लाह आ करके अबू हुरैरा के सामने उनकी माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया फिर से खुशी के आलम में रोने लगी इतनी खुशी हुई इतनी खुशी हुई कि अपनी माँ को मैं दावत दे रहा था इतने दिनों से दावत मेरी माँ को नहीं पहुंच रही थी नबी की दुआ आज लग गई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ को सुन लिया और मेरी माँ इस्लाम में दाखिल हो गई मेरी माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया कहते हैं कि मैं खुशी के आलम में मेरे आंखों से आंसू गए इतनी बड़ी खुशी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में हजरत अबूरा की माँ दाखिल हुई अबरा रोने लगे दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास आए काय रसूल अल्लाह ने आपकी दुआ को सुन लिया है आप मेरी माँ के लिए ये दुआ कर दे कि लोग उनसे मोहब्बत करें लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे अल्लाह के रसूल ने ये भी दुआ कर दी ये वही अब रहा है ये वही उनकी माँ है कि जब वो जाते थे तो अपनी माँ को पुकारते थे एहसान का एतराफ़ करते थे उनकी माँ ने खुश होकर के कहा अल्लाह तुझे भी जजाय खैरत आ फरमाए कि तूने मेरे इस परवरिश का तूने एतराफ़ किया दूसरी चीज हम अपने वालिदेन के लिए माली ताउन का खुसूसी इंतजाम करें जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस अलूना का मादा युन्फिकून या आपसे पूछते हम क्या खर्चा करें या आपसे सवाल करते हम खर्चा क्या करें नबी कह दीजिए मा अनफक्तुम मिन खैरिन जो कुछ भी तुम खर्चा करोगे खैर में से फलिल सबसे पहले किस पर खर्चा करना है वालेन के लिए वाले देन का माली ताउन करना है वल अकरबीन उसके बाद करीबी रिश्तेदार पता चला बंदा सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्चा करे अपने घर वालों पर खर्चा करे और खसूसी तौर पर माँ बाप पर तो और ज्यादा खर्चा करे जिन्होंने इसके बचपन में इसके खिलौने का इंतजाम किया था कि पड़ोस में देख करके आया था अब्बा चाहिए अब्बा कहीं से भी लेकर आए अब्बा मुझे चॉकलेट चाहिए कहीं से भी ला करके देते थे वो उनका ख्याल बराबर रख उनका बराबर ख्याल रखें तो माली ताऊन किया जाए या अल्लाह तबाराक व taala ने कुरान मजीद के अंदर में फरमाया है कि फिल वालिदैन वल अकरीना वल यतामा वल मसाकिनी व ابن السبيل कि बंदा अगर खैर चाहता है खर्चा करना चाहता है तो सबसे बेहतरीन खर्चा कहाँ है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि वो वालेन के ऊपर खर्च करना है वो करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करना है वो यतीमों पर खर्च करना है वो मस्किनों पर खर्च करना है वो उन लोगों पर खर्च करना है जो बेचारे मुसाफिर हैं जो सफर करके जा रहे थे उनका माल किसी ने लूट लिया या फिर भी परेशान थे इस परेशानी में अगर एक बंदा उनकी मदद करेगा अल्लाह तबारक वाल उस बंदे को अल्लाह रबुल पसंद करेगा एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सदमत में हाजिर हुए और कहा अल्लाह के रसूल सल्ला मेरे पास औलाद है और मेरे पास माल है और मेरे वाले साहब को माल की जरूरत है मतलब वो मुझसे माल तलब कर रहे हैं अल्लाह अकबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंता वह मालू का ले अभी का तू और तेरा माल जो कुछ तेरे पास है सब तेरे अब्बा के लिए तू खर्चा की बात कर रहा है सब कुछ तेरे अब्बा के लिए है अब्बा को मोहताज बना के खुद खुशहाल रह रहा है अल्लाह अकबर कैसे तू बर्दाश्त कर रहा है तू और तेरा माल सब वो कुछ तेरे बाप के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कह दिया तो कोई बेटा है ना सोचे मैंने कमाऊ क्यों तू अब्बा को नहीं अल्लाह के रसूल ने कह दिया बंदे तू भी तेरे अब्बा का है और तेरे पास जो माल आया है ना इतना बड़ा होकर तेरे पास जो अकल आई है अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा तुझे किसने किया है अल्लाह की तरफ से और लेकिन परवरिश किसने की है तेरे वाले ने की है इसलिए तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए तो इस बात को तो ख्याल रखते हुए एक बंदा खसूसी तौर पर अपने वालदेन के साथ माली ताउन का खास ख्याल रखे अक्सर दोस्तों पर बहुत पैसे खर्चा करता है कुछ भी मांग लिए करता है कि उनको, भी कुछ होगी। उनको भी कोई परेशानी होगी ये दे करके उनको राजी करने की कोशिश नहीं करता ये दूसरी चीज है नंबर तीन तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज अगर हम अपने वालिदैन को राजी करना चाहते हैं या वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं तो क्या करना होगा उनके लिए अगर मौजूद हैं या मौजूद नहीं है हमें उनके लिए दुआ करनी है हमें उनके लिए क्या करनी है? दुआ करनी है क़राम, गुज़िश्ता रिशितों में आपके सामने एक दुआ को मैं बता चुका हूं अल्लाह रबुलत ने बड़ी प्यारी दुआ के ने कहा रब कमा रब सगीरा। हम अपने वाले के लिए दुआ करें हमारे रब उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन दोनों ने रहम किया जब मैं छोटा सा था बहुत छोटा सा था ये दुआ हम अपने वालदेन के लिए करें इस दुआ के जरिए से अल्लाह तबारों को तला फ़ायदा ये देगा कि अल्लाह रबुस उनके मकाम को उनके मरतबे को बढ़ा देगा ये तीसरी चीज़ है चौथी चीज़ है कि जिसके वालदेन का इंतकाल हो जाए वालदेन के इंतकाल के बाद अगर वालदे पर कर्ज हो या जिंदा हो उन पर कर्ज हो परेशान हाल हों तो एक शख्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो क्या करे अपने की तरफ से उस कर्ज की अदायगी करे उन्होंने रियत की थी कि वो हज करेंगे उनकी तरफ से हज करे एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मेरी माँ का इरादा यह था कि वो हज करने जाए अल्लाह के रसूल ने कहा तो उनकी तरफ से हज कर उनकी तरफ से हज कर क्यों कहा अगर उनकी तरफ से कर्ज होता तो उस कर्ज को तू अदा करती कि नहीं अदा करती उसने कहा अदा करती मैं कहा इसी तरीके से अगर उनका इरादा था हज करने का वो इंतकाल कर गए तो उनकी तरफ से क्या कर तू हज कर इसी तरीके से एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मां का इंतकाल हो गया वो कौन साहबी थे साद इब्ने उबादा और रदी अल्लाहु ताला अन्हु हैं साद इब्ने उबादा कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ कहते हैं कि मैंने कहा उम्मी की मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मैं इंतकाल के वक्त अपनी मैं उनके लिए कौन सा ऐसा काम करूँ जिसके जरिए से अल्लाह तआला उनको अजर उनको सवाब पहुंचाए अल्लाह के रसूल वसल्लम ने सहाबी रसूल को जवाब दिया कि अगर तू उनकी तरफ से दका करेगा अगर उनकी तरफ से खैरा करेगा अल्लाह तबारो को तला उससे कबूल फरमाएगा सहाब रसूल ने कहा अल्लाह के रसूल वो जो फला जगह का बाग है ना फला जगह का जो मेरा बाग़ैचा है मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मैं अपने वालदेन के लिए क्या करता हूँ अपने वालदेन के लिए उसको मैं सदका करता हूँ उसको अपने वालदेन के लिए खैरात करता हूँ अल्लाह के रसूल आप गवाह बन जाए तो नाजरीन कराम एक शख्स अपने वालदेन को ईसाल सवाब कर सकता है वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया इसी तरीके से एक हदीस में इबन उमर रदी अल्लाह बड़ा प्यारा जिक्र है मैं में भी इशारा कर चुका हूँ एक मरतबा अपने गधे पर सवार होकर के कहीं पर जा रहे थे उनके सर पर अमामा था और गधा था रास्ते में देखा कि एक आर है उसको बुलाया और पूछा तू फुला इबने फुला है तो उसने कहा मैं फुला इबने फुलाऊ क्या मामला है कहा अगर तू फुला है तो ले ये गधा तेरा और ये अमामा तेरा मैंने उसको दे दिया और खुद उतर गए बाद में उनके साथियों ने पूछा क्या मामला है आपने उस आराबी को अपना गधा भी दे दिया और साथ साथ में आपने अपना अमामा भी दे दिया तब इब्ने उमर रदी अल्लाह तु ने, ने कहा क्या कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए सुना है कि इन अबर्रल बिर्री की नेकियों में बड़ी नेकी अच्छे कामों में बेहतरीन अच्छा काम क्या है कि आदमी अपने अब्बा के दोस्त के साथ अच्छा सलूक करे सिला रहमी करे बाद में बताया कि जिसको मैंने अपना गधा दिया था जिसको मैंने अपना अमामा दिया था वो मेरे अब्बा का बहुत खास दोस्त था उस दोस्ती के बिना पर मैंने इस हदीस पर अमल कर अल्लाह अकबर साहब कितना ज्यादा नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में बसाने वाले थे नबी की सुन्नतों पर कितने आमिल थे कि एक छोटी सी भी सुन्नत अल्लाह के नबी सलासम की उस पर अमल करने के लिए तैयार उसको अपना गधा दे दिया साथ में अपना मामा दे दिया और बताया कि अल्लाह के नबी ने ऐसा जिक्र फरमाया है और ये भी बताया कि मेरे अब्बा के दोस्तों में से एक दोस्त थे तो इससे पता चला कि एक शख्स एक नौजवान उन लोगों से भी सलाह रहमी करे जो उसके अब्बा के दोस्त उनके मतलकिन हो उनके साथ भी अच्छा सलूक करें नाजर कराम ये छः सात बातें जो आपके सामने जिक्र की गई खुलासतन ये बताना है कि इन तरीक़ों से हम अपने वालदे की खिदमत कर सकते हैं इन तरीक़ों से अपने वालदेन को हम राजी कर सकते हैं इन तरीक़ों से हम अल्लाह तबारक वाली का कुरब हासिल कर सकते हैं कई सारी बातें गुज्तः नश्तों में भी जिक्र की गई लेकिन आज की इस नशत में आपको ये बताया गया अपने वालदेन के एहसान को माने अपने वालदेन का इकराम करें उन पर रहम करें उनका माली इमदाद करें उनके कर्ज की अदायगी करें उनको सवाब पहुंचाएं, अगर मुश्क हैं तो उनके लिए दुआ करें और अब्बा के जो दोस्त वगैरह थे उनके साथ भी अच्छा सलूक करने की कोशिश करें तो ये आपके सामने गुनाहों में दूसरे बड़े गुनाह जिसे लोगों ने आज बहुत मामूली समझ लिया है आपके सामने ये चंद नश्तों में आपके सामने बातें पेश की गई ए श्राम अगली नशिश में हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नए एक ऐसे गुना जिसको उम्मत के अंदर लोगों ने बहुत मामूली समझ लिया है इन शाह अगली नशित में याद रहे आपके सामने एक और भयानक गलती जिसे लोग आज अंजाम दे रहे हैं उन्हें नहीं पता है कि ये मामूली नहीं ये बहुत भयानक है लेकिन आपको बताऊंगा कि लोगों ने बहुत मामूली समझ लिया है लेकिन इंतजार है अगली नशित का मुलाकात होगी अगली नशित में जब तक के लिए हम आपसे रुख्सत चाहते हैं वालेकुम ورحمه الله وبركاته